यहाँ पे आपने कुछ टाइम पहले बोट की रिंग तो आपने देखी ली है ना, काफ़ी अच्छी थी कम प्राइस ब्रैकेट में, मार्केट में कहीं ना कहीं छा गई थी, बहुत सारे लोगों ने बाय किया, रिव्यू किया मैंने भी इसको, और कुछ हद तक काफ़ी अच्छी थी। बट इशू ये आ रहा था कि साइज़ रिप्लेसमेंट का बहुत बड़ा इशू आ रहा था। अगर आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दी, साइज़ बड़ा छोटा हो गया, तो कंपनी वही रिप्लेस करके दे रही थी जो साइज़ आपका एग्जिस्टिंग था। तो गाइज़ यहाँ पे एक और न्यू रिंग आने वाली है जो कि काफ़ी कमाल की, काफ़ी बेस्ट एक्यूरेसी देने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, है ना, तो सही रहेगा। वैसे आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। तो गाइज़ अगर मैं रिंग की बात करूँ, यहाँ पर रिंग का चलन उतना है नहीं, लोग उतना ज़्यादा अभी इस पर आ नहीं रहे हैं, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट ये कि इन फ्यूचर रिंग का आपको बहुत ज़्यादा स्कोप दिखेगा मार्केट में देखने के लिए। तो चलिए अमेज़ फिट की रिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अमेज़ फिट हालो रिंग की बात करूँ, हिलियो रिंग बेसिकली, हालो नहीं है ये, बोट की तो आई थी आपने देखी ली है ना, बट यहाँ पे अमेज़ फिट की आने वाली है। अब अमेज़ फिट और बोट में ज़मीन आसमान का अंतर है। बोट कहीं ना कहीं आपको मार्केट में जो मिल रही थी रिंग, उसमें एक्यूरेसी इतनी नहीं थी और कम प्राइस में भी थी, बट यहाँ पे आपको एक्यूरेसी टॉप नॉच मिलने वाली है, और उसमें फीचर्स भी कम थे, इसमें आपको फीचर भी बहुत तगड़े मिलने वाले हैं। तो कंपटीशन डजेंट स्टॉप एट द फिनिश लाइन, ओन योर रिकवरी। यस, सारे के सारे सेंसर आपको मिल जाते हैं एम्बेडेड, और ऊपर की साइड से एक टेक्सचर डिज़ाइन सा दिया गया जो काफ़ी कमाल लग रहा है देखने में। एनहेंस योर अमेज़फिट एक्सपीरियंस, ट्रेन विद योर अमेज़फिट स्मार्ट वॉच, रिकवर विद द अमेज़फिट हालो रिंग, फाइंड ऑल द डाटा इन द जेफ ऐप। तो गाइज़ साइमनटेनियसली आप यहाँ पे वॉच को अमेज़फिट की अपनी और रिंग को जेप एप्लीकेशन से पेयर कर सकते हो। अब जेप एप्लीकेशन के लिए आपके पास अमेज़फिट की वाली वॉच होनी चाहिए जो जैप ऐप को सपोर्ट करती है, ठीक है, GT अमेज़फिट की GT सीरीज़ या GTR सीरीज़ जो होती है, उन सब में जैप ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, तो वो आपको चाहिए होगी। एल्स नॉर्मल POP3R3S इन सब से वो काम नहीं करने वाला है, ठीक है, जैप एप्लीकेशन POP3S3R से नहीं करती है, उसके लिए अलग एप्लीकेशन आती है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी टॉप की मिलने वाली है, और स्लीप पैटर्न्स को चेक करेगा रिंग ये, और उसी के साथ साथ यहाँ पे नैप्स को भी रिकॉर्ड करने की ताकत रखता है। तो ओवरऑल गाइज फीचर रिच रिंग मिलने वाली है। कीप योर फिंगर ऑन द पल्स ऑफ हेल्थ, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल और स्ट्रेस मेजरमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसमें इटसेल्फ। यहाँ पे आपको टाइटेनियम फिनिशिंग मिलती है, तो गाइज ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है जो कि बोट की रिंग में नहीं था, और बोट की रिंग का जो कलर था, बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारे सब्सक्राइब कह रहे थे कि फेड हो रहा है, इवन दो 7-8 दिन बाद ही, तो ब्लैक पे उनको सिल्वर की कोटिंग मिल रही थी अंदर की, तो दिख रही थी वो उनको, तो कहीं ना कहीं वो इसमें इशू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टाइटेनियम बिल्ड है। और मेड विद द स्किन फ्रेंडली टाइटेनियम अलॉय, यस, इनक्रेडिबली लाइट वेट डिज़ाइन, आइडल फॉर मॉनिटरिंग रिकवरी। तो गैस यहाँ पे बार बार मैं एक्यूरेसी पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेज़फिट की एक्यूरेसी टॉप नॉच रहती है, और इसी के साथ साथ टाइटेनियम के यहाँ पे आपको कोटिंग मिलती है, जिसकी वजह से ये रिंग स्क्रैच प्रूफ और क्रैक प्रूफ बन जाती है, और कोई दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है, बेटर, जो कि बोट की रिंग में नहीं था। आगे बात करते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें आपको, स्लीप स्कोर, फुल रिकवरी टाइम, स्लीप हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, स्लीप रेस्टिंग हार्ट रेट एंड मोर। एंड मोर का मतलब ये है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिल जाएंगी। टच पैनल मिलेगा आपको इसमें देखने के लिए डेफिनेटली, और रील्स को स्क्रोलिंग का ऑप्शन, ये सब तो आई थिंक नहीं मिलेगा, बट ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी, दूसरा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, और नोटिफिकेशन के लिए वाइब्रेशन अलर्ट्स का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इवन तो बोट ने बोला था, बट बोट की रिंग में था ही नहीं वाइब्रेशन का ऑप्शन, इसमें इन्होंने बोला भी नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कि देंगे ये। बट ये कि प्राइजिंग डिफर कर सकती है, प्राइजिंग तो डेफिनेटली यहाँ पे बोट की रिंग से डेफिनेटली ज़्यादा होगी इसकी। तो गैस देखो, मिनिमम जो उसका प्राइजिंग रह सकता है, मेरे ख्याल से लग रहा है 9,999 से लेके आपका 15,000 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में जा सकती है, क्योंकि अल्ट्रा ह्यूमन रिंग जो मेन रिंग की कैटेगरी है वो बनाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, 19,000-20,000 रुपये की, आई थिंक 19,000-20,000 नहीं है, आई थिंक 29,000-30,000 रुपये की मिलती है वो आपको ऑन अमेज़ॉन। बट अमेज़ फिट भी कम नहीं है, अमेज़ फिट भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ आएगी, बट अल्ट्रा ह्यूमन रिंग तो इससे भी एक कदम और ऊपर हो जाती है। तो गाइज़ ये आई थिंक अगर जिसको बेस्ट एक्यूरेसी चाहिए तो अमेज़ फिट की हिलियो रिंग के लिए जा सकता है, एल्स जिसको शो ऑफ ज़्यादा मैटर करता है और थोड़ा सा एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, तो बोट की रिंग तो अवेलेबल है ही, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं।
और आपको बोट की रिंग तो आई थिंक 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट लॉन्च हुई थी और सेल विल पे उसी प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है, ठीक है। मैंने भी अनबॉक्सिंग कर रखा है बोट की रिंग का, तो आप जाके चेक कर सकते हो। बट फिलहाल यहाँ पे मेरे को अमेज़फिट की हेलियो रिंग के बारे में बताना था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपका क्वेरी इस रिंग से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।